उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। निर्वाचन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। एक, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। दो, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें। अर्हताएं। एक, वह भारत का नागरिक हो। दो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीन, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। चार, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। निष्ठा रखूंगा। एक, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और श्रद्धापूर्वक करूंगा। शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। एक, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दो, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित दो शर्तें निर्धारित की गई हैं। एक, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। दो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। पदावधि एवं पद रिक्तता। तारांकन पदावधि। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुत से पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है।
उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। उद्धरण चिन्ह तारांकन पद रिक्तता। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। एक, उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर। दो, उसके द्वारा त्याग पत्र देने पर। तीन, उसे बर्खास्त करने पर। चार, उसकी मृत्यु पर। पांच, यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। यदि उसका पद उसका मृत्यु त्याग पत्र निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। शक्तियां और कार्य। उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। एक, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। दो, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र निष्कासन मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया। पहले 2008 सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति की पेंशन को 20,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर वेतन का 50% किया गया था। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं। भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। महत्वपूर्ण आर्टिकल। भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन आर्टिकल 65। उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67। उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल आर्टिकल 68। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण आर्टिकल 69। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन आर्टिकल 70। उपराष्ट्रपति के आर्टिकल चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले आर्टिकल 71। अन्य तथ्य। एक, कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। दो, जब पद पर रहते हुए दो राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फकरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी एवं बीडी जत्ती क्रमशः ने बतौर राष्ट्रपति कार्य किया। तीन, उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जून 1960 में राष्ट्रपति का कार्य किया जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोवियत संघ की 15 दिन की यात्रा पर थे और दोबारा जुलाई 1961 में जब वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी अस्वस्थ थे